आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी टेक्निक है जिस टेक्निक के अंदर हम एक अकेले डीएनए मॉलिक्यूल को बिलियन टाइम्स नंबर में बढ़ा सकते हैं बिना किसी सेल बिना किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके। टेक्निक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। अब पीसीआर में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप जो पीसीआर का होगा इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, और ये कन्वर्जन करने में हमें मदद करता है टेम्परेचर, दैट इज 95 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है एनीलिंग बोलते हैं। अब इसी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम जोड़ देंगे अपने और एक मॉलिक्यूल के साथ जिसको हम बोलते हैं डीएनए प्राइमर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि नॉर्मल रेप्लिकेशन में ये काम करता है आरएनए प्राइमर, लेकिन पीसीआर में हम यूज करते हैं डीएनए प्राइमर। अब इस डीएनए प्राइमर को जोड़ने के बाद इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता है एक एंजाइम टैक पॉलीमरेज। ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है जो 72 डिग्री सेल्सियस पे भी बेस्ट तरीके से पॉलीमराइजेशन का काम करेगा। अब जैसे ही ये एंजाइम जुड़ जाएगा प्राइमर के ऊपर ये इस प्राइमर को इलोंगेट कराएगा और हर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा, और इस स्टेप को हम नाम देते हैं इलोंगेशन। तो ओवरऑल आप याद रखेंगे पीसीआर के तीन स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, द सेकंड स्टेप इज एनीलिंग, एंड द थर्ड स्टेप इज इलोंगेशन।